हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज मैं जा रहा हूँ मसूरी, वो पीछे है मसूरी, अभी दिख नहीं रहा है, कोहरा हो रहा है। आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ दलाई हिल्स और जॉर्ज एवरेस्ट। काफ़ी अच्छी लोकेशन है, आपको भी अच्छा लगेगा। तो फिर अभी मेरा फ्रेंड वहाँ वेट कर रहा है, तो फिर वहीं मिलते हैं। अभी मैं हो चुका हूँ पैक, मास्क लगा लिया फॉर सेफ्टी और धूप से बचने के लिए, चश्मा भी लगा लिया। तो अभी फ्रेंड वेट कर रहा है अभी मेरा। चले, हैप्पी होली। अभी हम मसूरी पहुंचने ही वाले हैं। अभी हम बुलेट में तो पता नहीं चलता ना कि इसमें मीटर नहीं है ना, तो पता नहीं चलता कि तेल कितना है। तो पीछे है पेट्रोल पंप, तो अभी यहाँ से हम डलाएंगे। दिख तो नहीं, पीछे है, पीछे डाल। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मसूरी, तो अभी हम जाएंगे यहाँ से। ये जाता है दलाई हिल्स को, और सामने ये जाता है, ये रास्ता जाता है जॉर्ज एवरेस्ट को, और ये है सामने मॉल। तो फिर यहाँ रास्ता ज्यादा रास्ता दलाई हिल्स का जो रास्ता है वो है नीचे से लेफ्ट, सॉरी राइट। आपको जाना है राइट, मतलब जो दो रोड दिख रही है इसके बीच में, और जो ऊपर साइड जाता है जॉर्ज एवरेस्ट। तो चलो चलते हैं अब सीधे डाउन। काफ़ी डाउन है यहाँ पे। पहुँच चुके हैं दलाई हिल्स, पहुँचे नहीं अभी, पहुँचने वाले हैं अभी। अभी पैदल है करीबन 200 मीटर दूर, पीछे हमने बाइक वगैरह पीछे पार कर लिए। अब थोड़ा सा चलना है, फिर आपको दिखाऊंगा मैं दलाई हिल्स। दलाई हिल्स। तो आज हमारे साथ में है हमारे फ्रेंड नितिन सिंह कुंवर। हेलो। ये अभी मुंबई से आ रखे हैं, ये कर रहे हैं फैशन डिजाइनिंग कर रहे हैं वहाँ मुंबई से। तेरे को भी अब ले जाएगा फ्रेंड डिजाइनिंग करा रहा है। मेरे को भी ले जाएगा अभी कुछ टाइम बाद। और तो और हम बचपन से हम साथ ही पढ़े, और एक ब्लॉग बनाऊंगा मैं एक दोस्तों का कुछ टाइम बाद, इंट्रोड्यूस कराऊंगा अपने सभी दोस्तों से। तो फिर ऊपर पहुंचने वाले हैं। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं दलाई हिल्स। वाओ, और जो सामने आपको दिख रहा है वो है जॉर्ज एवरेस्ट, और बाकी सामने है मसूरी। और सामने है पहाड़, ये है दलाई हिल्स। आज के दिन जो है ना, और हवा मिल जाए, जितने हवा चलेगा आग चलेगा उतना अच्छा होता है ना, इसलिए आज के दिन बहुत अच्छा होगा। इसलिए हर दिन नहीं खींचता है, महीना में पाँच चार दिन इतने होता है, अभी नहीं होता है। ये खींचने इसमें पूरा लिखा हुआ है, जैसा आप लोग गीता पढ़ते हैं ना, गीता का पाठ, इसमें पूरा लिखा हुआ है। जितने हवा चाहेगा ना उतनी जानो जाएगा ना, पूरा जितनी जीव जिंदी है ना, आदमी जानवर सब को आप चावल से करते हो ना? हमारे चावल से होता है, हमारे चावल चाय। हाँ, हमारा थोड़ा लैंग्वेज सेम है ना हमारे। आप लोग कहाँ हैं? हम वहाँ के नीनी पिथौरागढ़ के बोटी है, हम लोग बोटर है ना। हाँ, पास ही, तो हमारी भी थोड़ी लैंग्वेज हल्की हल्की सेम है, हमारे भी ऐसे करते ना दादा। सो अब फोन से बहुत कर ली है रिकॉर्डिंग, अब निकालना पड़ेगा कैमरा। अब थोड़ा सिनेमेटिक ले लेते हैं, और आपको भी दिखाऊंगा मैं निकॉन 3400। Oh,
तो अभी हम दलाई हिल्स घूम के आ चुके हैं, अब थोड़ा हम ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद हमने सोचा है कि अब हम जाएंगे जॉर्ज एवरेस्ट। जॉर्ज एवरेस्ट वो पीछे है, वो पीछे दिख रहा है आपको, यहाँ से दिख रहा, वहीं जाके दिखाऊंगा आपको जॉर्ज एवरेस्ट। तो खा लेते हैं कुछ, खा लेते हैं। तो भाई ने कर लिए चाउमीन ऑर्डर, चाउमीन खा गए, चाउमीन टाइप का रह गए। मेरा आ रहा है अभी पराठा, तो मेरा आ चुका है आलू पराठा। आलू जैसा हो रहा लग रहा है, आलू जैसा कुछ भी बोल रहे लड़के। सो यहाँ से है जॉर्ज एवरेस्ट का रास्ता, और यहाँ हमने कर लिया पार्किंग वगैरह बाइक्स, बाइक। और यहाँ से पैदल है करीबन 2 किलोमीटर ऊपर ट्रैक करना है अब हमको। तो हमने अपनी पैदल यात्रा स्टार्ट कर ली है, और काफी ठंडा हो रहा है अभी यहाँ पे, और मजा भी आ रहा है। नितिन कैसा लग रहा है आपको यहाँ देहरादून में? आपको तो यहाँ क्लाइमेट सूट नहीं कर रहा होगा आपको तो यहाँ का, क्यों? मुंबई से आ रखे, मुंबई से आ रखे, तो थोड़ा मतलब समझ जाओ आप लोग। चलो फिर, गुरा हो गया यार, मुझे गुरा लग रहा हूँ। तो अभी हम जॉर्ज एवरेस्ट के बेस पे पहुंच चुके हैं, अभी थोड़ा पानी वानी पीते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर हमको जाना है वो ऊपर, ऊपर जाना, ऊपर दिख रहा है, तो पानी वानी पीते हैं, थोड़ा ले लेते हैं ऊपर के लिए। अभी करीबन 2 किलोमीटर का और ट्रैक है जो अभी हमको करना है कंप्लीट, तो फिर थोड़ा वेट करो, ले जाता हूँ अभी आपको ऊपर सीधे जॉर्ज एवरेस्ट। इतना आसानी है जॉर्ज एवरेस्ट तक पहुँचना, रास्ता खराब है, खराब तो क्या कहेंगे, नॉर्मल। तो मैं ये है रास्ता, सो अभी हम पहुंच चुके हैं जॉर्ज एवरेस्ट। मेरे पीछे ही ऊपर जॉर्ज एवरेस्ट, काफी हाइट पे है ये, और हमको नीचे से लग गया करीबन आधा घंटा, और अभी हम फोटो वगैरह खिंचाएंगे, थोड़ा वीडियो शूट करेंगे। अभी हम नीचे पहुंच चुके हैं, अब हम जा रहे हैं देहरादून। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और बस मिलते हैं आपसे जल्दी नई वीडियो में। ओके।